फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेयर। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो इसके लिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और आने वाले वीडियोज में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1890 में G.F. हार्बर्ट के द्वारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ का ब्रांच है जिसके द्वारा एंगल फाइंड करते हैं और साथ ही हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इन 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, तो हम एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। EBC, जहाँ पर E जो है वो राइट एंगल है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है। तो B और C जो एंगल होगा वो निश्चित रूप से 90 डिग्री से लेस होगा। सिंस हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, और इस ट्रायंगल में एक जो एंगल है वो सिर्फ 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल का योग 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री से लेस हैं। तो चलिए, इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो ये लिखते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। इनका शॉर्ट फॉर्म भी होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। हम जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब हम इन 6 फंक्शंस की बात करते हैं। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं, लेकिन इन फंक्शंस को हम ऐसे ही सिंपल नहीं लिखते, इनके साथ हम एंगल यूज करते हैं। जैसे अगर साइन लेते हैं तो अगर एंगल इनमें से कोई एक एंगल मान लेते हैं बी लेते हैं, तो एंगल बी लिया तो साइन बी ऐसे पढ़ेंगे, या फिर साइन इसके एंगल में मान लीजिए 60 लेते हैं तो साइन 60 ऐसे पढ़ेंगे। निश्चित रूप से यहाँ साइन के बगल में एंगल होता है, एंगल मान लेते हैं थीटा है, ऐसे बिना एंगल के ऐसे नहीं लिखते। और साइन थीटा लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन इंटू थीटा, ये नहीं होता है। जैसे मैंने साइन के साथ एंगल का यूज किया है, वैसे ही इन बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी एंगल यूज होता है। और साथ ही साइन जो, अगर कोई एंगल हम लोग थीटा लेते हैं, मान लीजिए एंगल बी जो है थीटा के इक्वल है, थीटा डिग्री है, मान लीजिए एंगल बी जो है थीटा डिग्री है, तो साइन थीटा अगर लेते हैं तो वो इक्वल होता है 1/cosec थीटा के। तो अगर हम लोग cosec थीटा लिखते हैं तो वो इक्वल होगा 1/sin थीटा के। उसी तरह अगर हम लोग cos थीटा लिखते हैं तो वो इक्वल होता है sec थीटा के, और अगर हम लोग sec थीटा को इक्वल करते हैं तो वो इक्वल होता है 1/cos थीटा के। tan cot का अपोजिट होता है, तो tan थीटा अगर हम लोग लिखते हैं तो वो इक्वल होता है 1/cot थीटा, और अगर cot थीटा को हम लोग इक्वल करेंगे तो वो इक्वल होगा 1/tan थीटा। तो इस तरह हम देखते हैं कि साइन जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, कोसाइन जो होता है वो सेकेंड का अपोजिट होता है,
और जो टेंजेंट होता है वो कोटेंजेंट का अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर साइन थीटा है और इनटू कोसेक थीटा हम लोग लिखते हैं तो ये वन के इक्वल हो जाएगा, और अगर हम लोग कॉस थीटा और इनटू सेक थीटा लिखते हैं तो ये वन के इक्वल हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। उसी तरह अगर टैन थीटा इनटू कॉट थीटा लिखते हैं तो ये भी वन के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों कहते हैं, तो इसके लिए कुछ फार्मूला है, चलिए उन्हें देख लेते हैं। तो फिर से एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ए बी सी। तो ये एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर ये बी सी हाइपोटेनस है, और ये जो ए बी है वो एंगल सी के, हम देख रहे हैं कि एंगल सी का अपोजिट का साइड है, तो ये साइड अपोजिट टू एंगल सी, और ये एंगल बी, एंगल बी के अपोजिट का साइड यहाँ पर ए सी है, तो साइड अपोजिट टू एंगल बी। तो यहाँ पर बी सी जो है हाइपोटेनस है, ए बी जो है वो एंगल सी का अपोजिट का साइड है, और ए सी जो है एंगल बी का अपोजिट का साइड है। तो फॉर्मूला ये है कि साइन जो होता है, अगर हम लोग इसमें से कोई एक एंगल लेते हैं, मान लीजिए साइन बी लेते हैं, एंगल बी लिया, तो साइन बी अगर हम लोग लेते हैं तो एंगल साइन बी, तो ये इक्वल होगा एंगल बी के अपोजिट का साइड क्या है, ए सी, तो अपोजिट साइड ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल बी। एंगल बी बाय ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बाई बी सी, हाइपोटेनस बी सी है, ए सी साइड अपोजिट एंगल बी जो है वो ए सी है और हाइपोटेनस बी सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ए सी बाई बी सी है, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो है, तो इसके बगल में कोई भी यूनिट नहीं लगता है। ये बात याद रखने वाली है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके यूनिट नहीं होते। अब ए सी बाई बी सी के बगल में कोई यूनिट नहीं लगेगा, तो ये तो बराबर है इसके, तो इसके भी साइन बी के भी बगल में तो कोई यूनिट नहीं लगेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके यूनिट नहीं होते हैं। अब चलिए कॉस के बारे में बात करते हैं, तो कॉस एंगल बी इक्वल होगा, अब एंगल बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता है कॉस का फॉर्मूला होता है कि साइड जो अपोजिट टू एंगल सी हो, साइड अपोजिट टू एंगल सी बाय हाइपोटेनस, तो ये इक्वल हो जाता है साइड अपोजिट टू एंगल सी ए बी बाय हाइपोटेनस बी सी। उसी तरह अगर हम लोग टैन की बात करें, टेन एंगल बी, तो टेन एंगल बी इक्वल होता है साइड अपोजिट टू एंगल बी बाई साइड अपोजिट टू एंगल सी, तो साइड तो ये इक्वल होगा साइड अपोजिट टू एंगल बी क्या है, ये ए बी नोस, ए बी साइड अपोजिट टू एंगल सी है, साइड अपोजिट टू एंगल बी है ये सामने का ए सी, तो ए सी बाई और साइड अपोजिट टू एंगल सी इट मीन्स ये बेस ए बी। उसी तरह अगर हम लोग कॉसेक लिखें एंगल बी, तो ये इक्वल होता है
हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं तो कि साइन जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, तो कॉसेक एंगल भी है, इसका मतलब 1/sin एंगल भी। और साइन एंगल बी का क्या था, साइड अपोजिट टू एंगल बी बाई हाइपोटेनस। तो कॉसेक एंगल बी में जो होगा हाइपोटेनस ऊपर भी होगा और साइड अपोजिट टू एंगल बी नीचे में होगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस ऊपर में और साइड अपोजिट टू एंगल बी जो होगा ही एसी वो नीचे में। ही इक्वल होगा हाइपोटेनस मीन्स बी सी बाई ए सी के। उसी तरह सी एंगल बी जो होगा वो सी के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वो कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस में क्या है, कॉस में है साइड अपोजिट टू एंगल सी बाई हाइपोटेनस। तो सी में उसका अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस बाय साइड अपोजिट टू एंगल सी। सेक कॉस में जो है उसी को उलट देंगे, उल्टा कर देंगे इसका, तो वो हो जाएगा सेक। और साइन में जो दिया हुआ है उसका उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा कॉसेक। तो ये सेक जो इक्वल होगा वो होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, बी सी। और साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या है, एंगल सी का अपोजिट का साइड क्या है, ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी। अब बचा टैन, नहीं अब बचा कॉट। तो कॉट एंगल बी जो होगा वो होगा, अब टैन का अपोजिट है कॉट, और टैन में उन्होंने क्या लिखा था, साइड अपोजिट टू एंगल बी बाई साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो हम लोग कॉट में क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल सी बाई साइड अपोजिट टू एंगल बी। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या है, एंगल सी के अपोजिट का साइड क्या है, ए बी। और साइड अपोजिट टू एंगल बी क्या है, एंगल बी के अपोजिट का साइड ए सी। तो इस तरह हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला मिलते हैं। तो अब तक तो आपने समझ चुके होंगे कि इन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों कहते हैं, बिकॉज रेशियो ही जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो आज हम यही तक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और साथ ही अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।